तो नमस्ते। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बैठे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पर दोस्तों 1700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो अन अकेडमी पर दोस्तों आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बेस्ट कोर्स शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें दोस्तों अगर आप आज प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 22% तक आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो 5 जनवरी मध्य रात्रि तक। तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से जाकर अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो STDWITHMK70, ताकि दोस्तों आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले डिस्काउंट 10% था, लेकिन दोस्तों अभी 22% कर दिया गया है, तो लिमिटेड समय के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर अपनी तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ये वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में लगभग 1700 पदों पर होगी। और भर्ती के माध्यम से जो जूनियर इंजीनियर के 368 पद है और टेक्निकल कर्मचारियों के लगभग 1309 रिक्त पद हैं, उनको भरने की तैयारी शुरू कर दी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा है कि जो PhD विभाग में है, भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है और जुलाई से पहले जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। साथ में परीक्षा की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी, यानी कब तक एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता रहेगी, क्या उम्र सीमा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक अच्छी खबर है, सुबह आपने पेपर में देखा होगा पटवारी रिजल्ट को लेकर, तो फरवरी या मार्च जो है उन्होंने सुबह बताया था, लेकिन अभी उन्होंने अपना बयान बदल दिया है और उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है आपका जनवरी में जारी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कब तक रिजल्ट जारी होगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।